लखीमपुर हिंसा केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी। अजय मिश्रा ने कहा कि उनका बेटा घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था और ना ही हिंसा फैलाने वालों ने उनके बेटे की हत्या करने की साजिश रची थी और इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का हाथ है। जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, SDM, CO ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएँ मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहां पर वो गाड़ियां रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाही में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो रुद्रपुर से आकर के इस कार्यकर्ता सम्मेलन को भड़का रहे थे, जो लोग मारे गए ऐसी मुझे सूचना मिली है, मैं सुनी हुई बात ही बता रहा हूँ कि नानपारा बहराइच के रहने वाले थे। तो आपने सुना कि किस तरह से अजय मिश्रा ने आरोप लगाया कि षड्यंत्र किया गया था, अगर उनका बेटा वहां पर मौजूद होता तो उसकी भी हत्या कर दी जाती जिस तरह से दूसरे लोगों की गई। लेकिन विपक्ष को अजय मिश्रा की यह सफाई मंजूर नहीं है और विपक्षी पार्टियां अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। हत्यारी है ये सरकार, जुल्मी है, अन्यायी है, अत्याचारी है सरकार। जिस तरह की घटना देश के सामने आया है, लोगों का हृदय पूरी तरफ फट गया है। किसान देश का भगवान, अन्नदाता है, और अगर शांतिपूर्वक वो प्रदर्शन करना चाहता है तो सरकार को डर किस बात का था? विरोध लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और विरोध करने वालों को आप गाड़ी से कुचल के मार देंगे? आप मुझे बताइए, इस मामले की जांच कैसे संभव है? अगर वो मंत्री बने रहेंगे तो उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। यहाँ किसान अपनी बात नहीं कह सकता, नौजवान अपनी बात नहीं कह सकता, माताएं बहनें अपनी बात, कोई सुरक्षित नहीं है। व्यापारी की हत्या हो जा रही है गोरखपुर के अंदर, और मैं रात में 2:30 बजे लखीमपुर किसान जो मारे गए हैं उनके परिजनों से मिलने जा रहा था, मुझे यहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। हम समझते हैं कि तुरंत उनको मंत्रिमंडल से उनको खारिज करना चाहिए, क्योंकि ये एक नियोजित साजिश रही है। ये कोई हिंसा, आई मीन बिना सोचे हुए वहाँ पे घटा नहीं। ये पहले से ही ये अपने भाषण दे रहे थे मंत्री महोदय कि इस तरीके से, मतलब उनका जवाब दिया जाएगा। अब ये जवाब किस तरीके से आया वो तो सबके सामने है। तो हम समझते हैं कि ये एक किस्म का हमला है, एक शांतिपूर्वक हमारे अन्नदाता किसानों के संघर्ष। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।